आज बनाएंगे हम नान खटाई, जो कि मैदा, बेसन और सूजी को मिक्स करके बनाएंगे। केवल बेसन से भी बनाई जाती है नान खटाई, मैदा से भी बनाई जाती है, आटा से भी बनाई जाती है, चॉकलेट वाली नान खटाई भी बनाई जाती है। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले मैंने मैदा ली है, 1 कप मैदा है ये, 120 ग्राम है, ग्राम में मापा जाए तो। मैदा हमने डाल दी है छलनी में, नीचे एक बाउल लगा दिया है, और हम इसमें डाल रहे हैं सूजी 2 टेबल स्पून। नॉर्मली जो मार्केट में मिलती है ना, वही सूजी मैंने ली है, बारीक वाली। साथ में बेसन डाल दिया है 2 टेबल स्पून। आप चाहो तो बेसन को स्किप कर सकते हो, या क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हो, मैदा की क्वांटिटी थोड़ी कम कर सकते हो। और इन तीनों को हमने छान लिया है। छानने के बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, आधा छोटा चम्मच हमने इलायची पाउडर डाल दिया। और हम डालेंगे इसके अंदर बेकिंग सोडा, इसे कुकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं, ये हम डालेंगे 1 टीस्पून। और साथ में हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर आधा छोटा चम्मच, यानी कि 1/2 टीस्पून। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, ये आप हमेशा पैकेट वाले यूज़ कीजिए। लूज़ वाले जो आते हैं वो कई बार काम नहीं करते हैं, मतलब वर्क नहीं करते इसमें, और एक्सपायर तो बिल्कुल मत लेना। और ये सब हमने डालने के बाद इनको एक बार मिक्स विस्कर से विस्क कर लेते हैं। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लिए हैं, इसको हम साइड में रख लेते हैं, एक बाउल और रख लेते हैं। इसमें हम डालेंगे ये बटर, या मैंने अमूल बटर लिया है जो कि 100 ग्राम है, और सॉल्टेड आता है ये। आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो हल्का सा 1 पिंच नमक, हम नमक आप उसमें डालोगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। अभी मैंने पाउडर शुगर ले ली है 1 कप, 120 ग्राम है। इसे हम छान के डालेंगे ताकि जो चीनी के क्रिस्टल हैं वो छलनी में रह जाएं। और बटर सॉफ्ट लेना, एकदम ज़्यादा मेल्टेड मत लेना, सॉफ्ट लेना, फ्रिज से कुछ देर पहले बाहर निकाला हुआ, जिससे क्या है वो सॉफ्ट हो जाए। और विस्कर से फेंट लीजिए, या फिर इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे फेंट लीजिएगा। और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 टेबल स्पून मिल्क, नॉर्मल मिल्क है, और अब हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से फेंट लेंगे। जब तक ये क्रीमी ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा बटर हमारा, तब तक हम इसे फेंटेंगे। अभी देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, लाइट कलर हो गया है, और ये एकदम सॉफ्ट भी हो गया है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, 1-2 मिनट के लिए और इसे फेंटेंगे। एकदम अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए, और इसमें हम लोग मिल्क और डाल देते हैं 1 टेबल स्पून। टोटल 2 टेबल स्पून हमने मिल्क डाल दिया है। आप बाद में भी डाल सकते हो अगर आपको डो टाइट लगे तो। हमें डो सॉफ्ट लगाना है कुकीज़ के लिए, जो हम बना रहे हैं नान खटाई। और अब देखिए एकदम अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया ना, तो ये बिल्कुल तैयार है कुकीज़ बनाने के लिए। पहले मैं स्पैचुला से स्क्रैप कर लेता हूँ चारों तरफ से बटर, और अब मैं आपको उठा के दिखाता हूँ कि कितना हल्का है, कितना सॉफ्ट है, कितना क्रीमी है हमारा बटर। जैसे केक की क्रीम होती है ना, उस जैसा हो गया, एकदम व्हिप क्रीम जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, ये वाला स्टेप आप ज़रूर कीजिए, तभी आपकी जो नान खटाई है वो परफेक्ट बनेगी। ये हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, सारे डाल दिए हैं, और या तो आप स्पैचुला से बस फोल्ड कर लीजिए एक बार, या फिर अपने हाथ से एक डो बना लीजिए, या फिर आपके पास बीटर है बस एक बार बीटर घुमा दीजिए, आपका डो तैयार हो जाएगा। तो पहले तो मैं ये देखिए, मैंने स्पैचुला से किया, फोल्ड किया, फिर मैंने ये बीटर घुमा दिया, तो सारे एक जगह हो गए और डो जैसा बन जाएगा। अब जैसे आपको लगे कि ये टाइट है डो, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून मिल्क डाल सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। पर जो मैंने मेज़रमेंट बताया है वो एकदम परफेक्ट है, आप डाल इस मेज़रमेंट से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आपकी बनेंगी। और ये हमारा डो तैयार है नान खटाई बनाने के लिए। लेकिन पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप, ये डो है नान खटाई के लिए, मैंने एक बाइंड कर लिया है, अच्छे से डो बन गया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, या 10 मिनट 5 मिनट के लिए, बस हल्का सा ये ठंडा हो जाए, और क्योंकि गर्मी है इसीलिए। और ये मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है, जो मेजरिंग स्पून आते हैं ना, इससे ये होगा कि जो हमारे सारे नान खटाई हैं वो एक साइज़ के बनेंगे। इसके अंदर हमने भरा और इसे निकालेंगे बाहर, और गोल गोल लोई बनाएंगे, गोल गोल छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब आपको बड़े बनाने हैं तो आप 1 टेबल स्पून ले लीजिए, या मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है क्योंकि मुझे मीडियम साइज़ की नान खटाई बनाने हैं। और अपनी कुकीज ट्रे में रख दीजिए, और हर नान खटाई के बीच में स्पेस दीजिएगा, ताकि क्योंकि जब ये ओवन में फैलेंगे तो एक दूसरे से चिपके ना। आप देख सकते हो सबके बीच में मैंने स्पेस दिया है ना, कितने दूर दूर लगाए हैं आप देख सकते हो। और बॉल्स को ऐसे ही रहने दीजिए, प्रेस मत कीजिए। मैंने इस पर पिस्ता लगा दिया है, इलायची पाउडर डाल दिया है, ये ऑटोमेटिक
अवन में जाके ऑटोमेटिकली फैल जाएंगे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस बॉल्स बना के रख दीजिए कुकीज ट्रे में। ये हमारी ट्रे तैयार है, चलते हैं अवन की तरफ। तो पहले ही मैंने प्रीहीट कर लिया था 150 डिग्री सेल्सियस पर अपना कन्वेक्शन अवन। कन्वेक्शन मोड पे लोअर रैक पे, देख सकते हो लोअर रैक है, हमने अपनी ट्रे रख दी है और मैं अभी 15 मिनट के लिए इसे बेक करूँगा। 12-13 मिनट पर ही आप चेक करना स्टार्ट कर देना कि आपके नान खटाई बेक हुए हैं कि नहीं। फिलहाल इसको बेक होने देते हैं। आप चाहो तो इसे किसी भी गैस पर, किसी भी कढ़ाई, कुकर या भारी तले वाले बर्तन में भी बेक कर सकते हो, नमक डालकर या विदाउट नमक भी कर सकते हो। आप अगर कहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट कर देना। कि देखिए 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, हमारा जो नान खटाई है वो अच्छे से बेक हो गए हैं, एकदम परफेक्टली बेक हुए हैं। इनको हम ठंडा होने देंगे ऐसे ही ट्रे में ही, ठंडा होने के बाद तब हम इन्हें ट्रे से निकालेंगे। बाकी के भी मैंने बना लिए हैं बॉल्स नान खटाई के और ट्रे में लगा दिए हैं। पिस्ता और इलायची पाउडर डाल दिया है ऊपर, आप बादाम डाल सकते हो, आपके ऊपर है जैसे आप इसे गार्निश करना चाहें। और ये देखिए सारे जब ठंडे हो गए तब मैं इनको सर्विंग ट्रे में रख रहा हूँ। आप अगर किसी कंटेनर में रखते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में रखिए, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक महीने तक आप इसे सर्व कीजिए, खाइए, चाय के साथ खाइए या फिर ऐसे ही। तो नान खटाई हमारी बनकर तैयार है। ये है हमारी मैदा बेसन सूजी को मिक्स करके, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, मैदा बेसन सूजी, और ये बिल्कुल तैयार है, चाय के साथ बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर ढेर सारी वीडियोज़ हैं, अवेलेबल हैं। बेसन नान खटाई भी लेटेस्ट मैंने अपलोड की है, आप देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही,